अनुज माथुर जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। अब आगे सर क्या उम्मीदें लगाई जाए, किस तरह की भविष्य की तस्वीर समझी जाए? पहले तो मैं ये जो अफगान लोग हमारे यहाँ बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष हमेशा से अफगान नागरिकों के साथ था, है और रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। और आप शिल्पा जैसे एंकर्स जो हैं, इन लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर। और आप शिल्पा जैसे एंकर्स जो हैं, इन लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर, दुनिया तक। मैं अब यहां तक सवाल पाकिस्तान का है, ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए थी पहले कि इनको केंद्र केंद्र जो है वो एपिसेंटर पाकिस्तान है, और जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं तब तक ये आतंक का साफा नहीं। पाकिस्तान का एक मकसद और है जी। पहले उन्होंने, जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, उसके अलावा वो चाहता है कि जो इसके आतंक के सेंटर्स हैं वो पीओके और पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाएं, ताकि वो एफएटीएफ को एफएटीएफ को दिखा सके कि वो प्रेशराइज कर सके। हाँ, तो ये उसकी चाल है। हाँ, ये उसकी चाल है, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। ये है। चाल हमें समझनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को समझनी चाहिए। चलिए ठीक है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.